छत्तीसगढ़ के बालोद में राष्ट्रीय युवा दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस मौके पर बीजेपी नेता राकेश यादव समेत प्रदेश कार्यकारी युवा मोर्चा अमित चोपड़ा कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सिर्फ 39 वर्ष का जीवन काल कई मायनों में आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हर युवा राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकता है। ऐसे में युवाओं को अपनी सामर्थ्य का उचित प्रयोग करना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बालोद से खिलाबन चंद्राकर की रिपोर्ट। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के आदर्श हैं और हम सब ने छात्र जीवन से राजनीति चालू की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जब राजनीति की शुरुआत की तो स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानकर उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर ही हमने काम शुरू किया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी विगत कई वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। हमने विवेकानंद जी के आदर्शों को अभी तक हम लोगों ने जमीन में भी उतारने का काम किया है। युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उनकी पुस्तकों को पढ़कर हम लोगों ने जिस सीखा है समाज सेवा का काम हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से अभी भी करने की राष्ट्रीय युवा दिवस का पावन अवसर हम सब के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, माँ भारती के लाडले सपूत, पूरे विश्व को दर्शन देने वाले स्वामी विवेकानंद जी, एक भारत के युवा सन्यासी ने विश्व को नया जीवन दर्शन दिया, सनातन संस्कृति के डंका बजाने का काम किया, हम सबके लिए गर्व करने का विषय है, उसको जीवन में आत्मसात करने का विषय है। ऐसे उनके जन्म जयंती पर मैं स्वामी विवेकानंद जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।